ए आदि। हाँ। रोड कब आएगा यार? मैं रोड नहीं आएगा, हम लोग को रोड की तरफ जाना है। ओके आ गया। ये रोड आ गया? नहीं, डेड एंड आ गया। भागने की कोशिश मत करो, मेरी रिवॉल्वर की गोली तुम लोगों से ज्यादा तेज भागती है। आपको ऐसे क्यों लगा कि हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं? गेस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता था तुम मुझे झांसा देके निकल जाओगे? देखिए सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो हमारे दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम वहां से भाग गए थे। मगर मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा था ना। हाँ, तो हम तेरे बाप के नौकर है कि तेरा ऑर्डर मानेंगे? ऐसे मैं नहीं, ऐसे ये कह रहा था। शट अप। अच्छा ये बताओ, तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? तुझे मरने की जल्दी है तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ आगे आया? मैं पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ऊपर जाके आराम से सोच लेना। देखिए प्लीज, आप गोली मत मारिए। देखिए देखिए, आप जहाँ बोलिए वहाँ जाएंगे हम लोग, हम घर चले जाएंगे, जानू चले जाएंगे, पुलिस स्टेशन चलेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर। हम लोगों की शादी भी नहीं हुई है, ऐसा क्यों कर रहे हमारे साथ? मैं यहाँ हूँ। शोले मैंने भी बहुत बार देखी है, समझा? वेल ट्राइड आदि, वेल ट्राइड। थैंक यू। इसमें तेरी फॉल्ट थोड़ी, उसने शोले देखी है। या बहुत हो गया, अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ सर, आप वहां से शुरू कीजिए ना, तब तक मैं तैयार हो जाऊंगा। हर पाप का एक पाप होता है। हाँ, और उसे हम दादाजी कहते हैं। तू हमें मौत का खौफ दिखा रहा था ना? हाँ? अरे हम तो रोज मौत का खेल खेलते हैं। इंस्पेक्टर, चल आज तू और मैं मौत का खेल खेलते हैं। इसमें गोली है। मुझे पता है रॉय, इसमें सचमुच गोली है। मर जाएगा। हाँ, मुझे पता है ना। आई नो इसमें गोली है। यू रेडी इंस्पेक्टर टू प्ले द गेम ऑफ डेथ? यू स्केयर्ड? इट्स ओके। ओह, बच गए। ही सेव्ड। अब मेरी बारी है। करेक्ट। यस। गोली रॉय, भाई रुक जाओ। ये मौत का खेल इंस्पेक्टर और डिटेक्टिव रॉय के बीच में। राइट राइट। अबे मरे गए। हादी, ही इज नॉट सो स्मार्ट। यस। रॉय, बहुत हो गया। मरने से पहले बोस ने क्या बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मुझे अपनी जान प्यारी है सर, मैं बताता हूँ। वो बोस ने मरते वक्त कहा था कि 10 करोड़ रुपए उसने चिपलून के मेन चौराहे से 40 फुट दूर चीकू के पेड़ के 4 फुट नीचे गाड़ के रखे है। चिपलून? धोखेबाजो, मक्कारो, ये ब्लडी बास्केट। तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा। तुम लोगों ने बोला कि वो आदमी ने वो 10 करोड़ रुपए गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन में किसी डब्ल्यू के नीचे छुपा के रखे। तुम लोग दोस्ती के नाम पे कलंको, यू चीटर कॉक्स। बस मानव, बस। अरे क्या कहा तूने? थैंक यू मानव, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। एक्सक्यूज मी, मेरे पास एक प्रपोजल है। देखिए, वो पैसा हम लोग आपस में बांट भी तो सकते हैं ना। सारा पैसा आप सरकार को दे देंगे, आपको क्या मिलेगा? करेक्ट। 10 साल ईमानदारी की नौकरी करने के बाद क्या मिला मुझे?
यवतमाल में ट्रांसफर, इसीलिए वो 10 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में नहीं मेरी जेब में जाएंगे।